दोस्तों हमारे किसान भाइयों को दिन रात खेतों में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में हम अक्सर सुनते हैं कि किसी किसान को किसी इंसेक्ट्स या किसी चीज़ का बाइट हुआ है, लेकिन उस जगह पर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का सांप या किसी भी प्रकार का इंसेक्ट दिखाई नहीं देता है, तो उसे लगता है कि हमें किसी सांप ने नहीं काटा है। कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी वेनेमस सांप ने भी हमें बाइट किया हो तो उसके सिम्टम जो होते हैं वो बहुत ही देर बाद शुरू होते हैं, यानी 1 से 1.5 घंटे बाद भी शुरू होते हैं। अगर किसान को किसी चीज़ ने बाइट किया तो तुरंत उसको किसी भी प्रकार के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वह हॉस्पिटल में जाने से कतराता है और उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता है। अगर हमने उनसे पूछा कि आपको किस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो नॉर्मली बिहेव करते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, लेकिन जब हमने उस बाइट मार्क को देखा होता है तो हम तुरंत पहचान में आते हैं कि ये वेनेमस सांप का बाइट है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आपको वेनेमस सांप ने काटा हो या नॉन वेनेमस सांप ने, अगर आपको किसी भी प्रकार के सिम्टम्स भी दिखाई नहीं देते हैं तब भी आपने किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं होते तो वहाँ के डॉक्टर आपको सिर्फ निगरानी में रखेंगे, आपको किसी भी प्रकार की दवा नहीं देंगे, और अगर आपको किसी भी प्रकार का सिम्टम्स दिखाई देता है तो तुरंत वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट हो सकता है दोस्तों। लेकिन आप सोचेंगे कि मुझे सिम्टम्स दिखाई देने पर मैं हॉस्पिटल में चले जाऊँगा तो तब बहुत देर हो सकती है। तो ऐसा ही एक कोबरा सांप हम यहाँ पर रिलीज़ करने आए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़े साइज़ का और बहुत ही गुस्सेल कोबरा है। कल हमने इसे एक बिल से पानी डाल के निकाला था दोस्तों। तो चलिए अभी इसको इसी जगह पर रिलीज कर देते हैं। देखिए दोस्तों अभी इसे जंगल में हमने रिलीज किया है कि बिंदास तरीके से ये यहाँ पर सफर कर रहा है। दोस्तों ज़्यादातर स्नेक फ्रेंड क्या करते हैं कि सांप को रिलीज़ करते वक्त उस सांप को हाथ में पकड़कर लोगों को दिखाते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जब आप स्नेक रिलीज़ करने आते हैं तो उस स्नेक के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्नेक बाइट होने के चांसेस उस सांप को रिलीज़ करते वक्त ही होते हैं। इसलिए हमारा काम है उस सांप को रेस्क्यू करना और सुरक्षित जंगल में रिलीज़ करना। देखिए मैंने भी इस सांप के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की है, सिर्फ उस बर्नी का ढक्कन खोलकर उसे रिलीज़ किया है। आप देख सकते हैं एक अच्छी सी जगह के तलाश में है, और ऐसे सांप को जंगल में घूमते देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है दोस्तों। और सांप को रिलीज़ करते वक्त हमें भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है।